वर्णानाम उच्चारण स्थानम प्रयत्नानी का अध्ययन करेंगे। आज उच्चारण स्थान पढ़ेंगे और उसके बाद कल के वीडियो में उनके प्रयत्नों के बारे में पढ़ेंगे। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ है। ए उ का मतलब क वर्ग क ख ग ग और है और विसर्ग का स्थान कंठ है। यानी अ प्रैक्टिकल होता है संस्कृत में, ए कंठ से जोर आ रहा ख ग ग और है और विसर्ग, इनका उच्चारण हमारे कंठ से होता है। दूसरा सूत्र है इचु यशा नाम तालु। ई और चू, चू का मतलब च वर्ग च छ ज ज, यह इनका तालु होता है। यह और श का ताल भी श, जैसे आजकल तो टीचर सिखाते हैं शंकर का से, शंकर का से नहीं होकर के ताल भी श बोला जाता है, तो इसका उच्चारण स्थान तालु होगा। तीसरा है रितु रसाणाम मूर्धा। री और टू का मतलब ट ट ड ड ण और वो मूर्धनी श, ये वो पहला था तालवी से और इसमें है मूर्धनी से, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। बोलते समय जीवान गोल होती है, न ऊपर टच होती है न नीचे होती है। लितु लशा नाम दंता। ली और तू का मतलब त थ द द, प्रैक्टिकल बोल के देखें आप तो ये जीवान हमारी जो है त थ द जीवान हमारे, और वो जो स्लेट का सह सिखाते हैं आजकल के टीचर, ये सह जो है दंतिश है, इसका उच्चारण स्थान क्या है दंतिश है, संस्कृत वाले इसे दंतिश ही बोलते हैं। उपु पद्मान्या नाम मोष्टौ। उ मन प वर्ग प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान उच्चारण करके देखें, प दोनों होठ मिल रहे, फ दोनों होठ मिल रहे, ब भ म, तो इनका उच्चारण स्थान यदि आप भूल जाएं तो रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल करके और लिख सकते हैं। यम गणना नाम नासिका च। अंतिम पंचम वर्ण जो है उनका उच्चारण स्थान नासिका मतलब नाक से होता है। ए दई तो कंठ तालु, ए और आई, ए दई तो एत धन आई तो, ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों उच्चारण स्थान है। ओ दौ तो कंठोष्टम ओत धन औत, औ और औ का स्थान कंठ और ओष्ट है। वकारस्य, ये अधिकतर रीट की परीक्षा में भी आया कि वकारस्य दंतोष्टम, वह का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ट है। जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम, जिसपे निशान लगे होते हैं ऐसे और नीचे ऊपर चंद्रमा नीचे चंद्रमा क ख, तो इनका इनको जिह्वा मूलस्य जी के नीचे से बोला जाता है। जिह्वा मूलस्य का मतलब जिह्वा के नीचे से इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको जिह्वा मूलम जिह्वा मूलस्य कहा गया। और नासिका अनुस्वारस्य, नासिका का अनुस्वार जो होती है जिसका हम अलंत मय पढ़ते हैं, जैसे अनुस्वार संधि मोनुस्वार सूत्र से हरिम अलंत करेंगे और वंदे लिखेंगे तो ये तो हो गया संधि विच्छेद, और हरिम के ऊपर जो अनुस्वार लगा दी ये अनुस्वार हो गई, तो इसका उच्चारण हो जाएगा नासिका अनुस्वारस्य, नाक से इसका उच्चारण होगा। यदि आपको वीडियो पसंद